हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बात को शुरू करेंगे यूएस मार्केट से, जिसमें कल इलेक्शन रिजल्ट पार्शियली अनाउंस होने की वजह से एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहां पे देखा जा सकता है। डाउ जोन्स 1.34%, S&P 500 2.20% और नेस्टैक हमें यहाँ पे 3.85% की अपसाइड के साथ यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। करेंटली ब्रेंट क्रूड और गोल्ड में भी थोड़ी सी रैली को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिसके बाद हम एशियन मार्केट में आज एक पॉजिटिव ओपनिंग को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसजीएक्स निफ्टी आज यहाँ पे 12,077 के करीब यहाँ पे 7 बजे ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 का जो फ्यूचर्स है उसे करेंटली हम 12,060 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। अगर हम कल अनाउंस हुए कुछ Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे पिडलाइट के केस में एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में जंप हमें देखने को मिल जाता है। रेवेन्यू में इस बार 4%, नेट प्रॉफिट में 10%, इबिटा में 39.2% और इबिटा मार्जिन में इस बार अराउंड 7.3% का एक जंप यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके वजह से आज आपको इसके स्टॉक में एक रैली यहाँ पे ट्रेडिंग आवर्स के दौरान दिखाई दे सकती है। HPCL के केस में यहाँ पे रेवेन्यू में 37% का एक जंप देखने को मिल रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट में इस बार 12% का एक डिक्लाइन हम देख पा रहे हैं। EBITDA में इस बार 17.2% का एक डिक्लाइन को देखा जा सकता है, जबकि EBITDA मार्जिन में इस बार अराउंड 4.5% का एक फॉल हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे HPCL अपना एक बायबैक प्रोग्राम लाने वाली है, जिसके बारे में हम आगे यहाँ पे बात करेंगे। फाइनली अगर हम अदानी ग्रीन के Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू है उसमें 11% का एक फॉल को देखा गया है, जबकि रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट में हम 81% का एक शार्प डिक्लाइन को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ईबिटा में अराउंड 16.7% का एक अपसाइड को देखा जा सकता है, जबकि ईबिटा मार्जिन में हम ऑलमोस्ट 19.2% का यहाँ पे एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हायर डिप्रिसिएशन एंड फाइनेंस कॉस्ट की वजह से इसका जो प्रॉफिट है उसमें काफी बार गिरावट हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज इस स्टॉक में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इंडियन ADR के केस में यहाँ पे हम टाटा मोटर्स और वेदांत को छोड़ के बाकी सभी स्टॉक्स में एक अपसाइड को देख सकते हैं, जबकि कैश मार्केट में हमें अभी भी DIIs नेट सेलर के तौर पे दिखाई देते हैं। कल FIIs ने मार्केट में 146 करोड़ का नेट बाइंग किया था, जिसके वजह से आज भी आपको मार्केट में थोड़ी सी बाइंग सेंटिमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे अभी के लिए PVR, ग्लेनमार्क फार्मा, इंडसइंड बैंक के केस में एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन को देखा जा सकता है, जबकि BHEL और वेदांत के केस में हम एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पे कंटिन्यू रहता हुआ देख पाएंगे। इसके बाद मार्केट आउटलुक के बारे में अगर हम बात करें, तो करेंटली मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 11,000 और कॉल साइड में 12,300 के करीब यहाँ पे देखा जा सकता है। एक्टिव ऑप्शंस को हम 11,900 और 12,300 के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आज आपको मार्केट 12,000 के ऊपर ओपन होता हुआ दिखाई दे, तो आपको 12,000 पे एक सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम आज के रिजल्ट के बारे में बात करें, तो आज आपको अदानी पावर, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बर्जर पेंट्स, कॉनकॉर्ड, डालमिया भारत, इमामी, गुजरात गैस, आइनॉक्स लीजर, मुथूट कैपिटल जैसे कुछ कंपनी के Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप रियल टाइम अपडेट पाना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में अगर हम बात करें कुछ ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में, तो यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट के बाद एक शेयर बायबैक प्रोग्राम को यहाँ पे अनाउंस किया है। ये बायबैक प्रोग्राम आपको यहाँ पे 250 रुपी पर शेयर के रेट पे पब्लिश होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इसके लास्ट क्लोजिंग प्राइस से अराउंड 33% के प्रीमियम पे अवेलेबल है। तो इसके वजह से आपको स्टॉक में थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो आप अगर चाहें तो इस बायबैक प्रोग्राम में अपना बिड आगे प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम SBI कार्ड के बारे में बात करें, तो इसने पेटीएम के साथ अपना एक पार्टनरशिप लॉन्च किया हुआ है, जिसके बाद
यहाँ पे कंपनी पेटीएम एसबीआई कार्ड नाम का एक अपना डेबिट कार्ड मार्केट में इश्यू कर सकती है। यहाँ पे ये एक क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, तो इसका एक ये एक क्रेडिट कार्ड होने वाला है, तो इसका सीधा फायदा आप आगे आपको कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके अर्निंग्स रिपोर्ट में आपको देखने को मिल सकता है। फाइनली अगर हम आईनॉक्स लीजर और पीवीआर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स को 50% कैपेसिटी में ओपन करने का यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया है। इसका सीधा फायदा आपको इस दोनों ही स्टॉक में आज के ट्रेडिंग आवर में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कम कैपेसिटी के साथ इनको ऑपरेट करने की वजह से फिर से आगे भी आपको इनके प्रॉफिट में थोड़ी सी डिक्लाइन आगे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।